सो व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम है ऋतिक राठौड़ है, आप लोग देख रहे हैं डिजिटल तिवारी यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग कैसे फ्री में एचरेप टूल यूज कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में आप एचरेप टूल यूज कर पाओगे। सो एचरेप टूल बेसिकली एक टूल है जिसमें कि आपको सबको पता ही है कि एचरेप का नाम ही काफ़ी है एंड एचरेप इज द बेस्ट टूल इन द मार्केट टिल नाउ। कि आप लोगों को वहाँ से जाके कोई भी कीवर्ड रिसर्च करना है एंड ऑल, सो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग कैसे फ्री में एचरेप टूल जो है उसे यूज कर पाओगे। सो एचरेप टूल फ्री में यूज करने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अब जाके सब्सक्राइब कर लो, बेल वाला आइकन दबा देना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और ऐसी वीडियोज आप लोगों को हमेशा मिल सके। एंड अभी तक मुझे अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे बहुत सारे पोस्ट आते हैं, बहुत सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएंगे जिससे आपको हेल्प हो सकती है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गेट इनटू द पीसी एंड वॉच इट आउट। सो गाइज, मैं अपने पीसी के स्क्रीन पे आ गया हूं। यहाँ पे हम देखते हैं कि आप लोग कैसे फ्री में जो हमारा एचरेप कीवर्ड प्लानर टूल है वो उसे आप यूज कर पाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा और उससे पहले बेसिकली उसमें आपको सॉफ्टवेयर में मिलेगा दूसरे उसका कीवर्ड प्लानर का, लेकिन वहाँ से आप इजीली जो हमारा एचरेप है, एचरेप का मैं पहले बता देता हूँ कि आप लोग कैसे यूज कर पाओगे एंड जो उसके बाद मैं दिखाऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि आप लोग कैसे आधा काम इसमें और आधा काम उसमें करके आप एचरेप का पूरा काम कर पाओगे। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं एक लिंक दे दूंगा, या फिर लिंक नहीं दूंगा, मैं डिस्प्ले करा दूंगा इस पर। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको आ जाना है गूगल पे एंड गूगल पे आके यहाँ पे लिखना है एचरेफ कीवर्ड जनरेटर, उसके बाद आपको सर्च करना है। अब जैसे ही ये सर्च करोगे कीवर्ड जनरेटर तो यहाँ पे आपको फर्स्ट जो ऑप्शन दिखेगा वहाँ पे आके क्लिक करना है आपको एंड आप एक बार जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो कीवर्ड जनरेटर। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे कीवर्ड जनरेटर पे तो आपको यहाँ पे एक कीवर्ड देना है। मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ ब्लॉगिंग, ओके। उसके बाद यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है जैसा कि आप ओरिजिनल उसमें करते हो एचरेप में, लाइक उसके बाद कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद फाइंड कीवर्ड्स करना है। आप एक बार फाइंड कीवर्ड पे क्लिक करोगे तो जैसा कि उसमें दिखाता है वैसे ही यहाँ पे रोबोट एक यहाँ पे बार बार सॉल्व करना होगा आपको एंड एक कैप्चा जो होगा उसको सॉल्व करने के बाद आप यहाँ से इजीली इसको वेरीफाई करा के उसके बाद जो कीवर्ड का पूरा आइडिया है आप ले पाओगे यहाँ से। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कीवर्ड डिफ़िकल्टी, तो आपको बेसिकली ज़्यादा लोग किस लिए यूज करते हैं उसको एचरेप को, कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी वगैरह सब एग्जैक्ट पता चल जाए आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कीवर्ड डिफ़िकल्टी ब्लॉगिंग फॉर वॉइस 12 इतना 47 के सर्च वॉल्यूम है लास्ट अपडेटेड 2 दिन पहले का। तो यहाँ से आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि आप कैसे, आप देख सकते हो 1 to see all 5400 दिस। तो इसके लिए आपको ट्रायल यूज करना होगा, लेकिन ट्रायल क्यों करना जब यहाँ पे लगभग 50 से ज़्यादा के करीब में यहाँ पे आपको मिल जा रहा है फ्री में देखने को भी। तो यहाँ पे ब्लॉगिंग टिप्स पे आप देख सकते हो 600 है, उसके बाद इतना सबका कीवर्ड आपको देखने को मिल जाएगा कीवर्ड डिफ़िकल्टी। तो आप लोग यहाँ से इजीली कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे आप अगर ये गूगल सर्च इंजन था, अगर बिंग के लिए करना है तो आप बिंग के लिए भी कर सकते हो, या फिर आप एक यूट्यूबर हो तो आप यूट्यूब के लिए भी यहाँ से सर्च कर पाओगे कीवर्ड्स। लाइक मैं यहाँ पे यूट्यूब के लिए करता हूँ ब्लॉगिंग, ओके, एंड एक बार फाइंड करता हूँ। सो यहाँ पे आप देख पाओगे एक कैप्चा मेरे को सॉल्व करना पड़ रहा है, उसके बाद सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को पूरा का पूरा जो कीवर्ड्स है वो भी फॉर फ्री, आपको कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो टेंशन मत लो, यहाँ पे लग देखो 100 कीवर्ड्स ब्लॉगिंग का इतना सर्च होता है गूगल पे, ब्लॉगिंग फॉर बिगनर्स इतना सर्च होता है, उसके बाद मेक मनी ब्लॉगिंग 600 सर्च होता है। तो बेसिकली ये हमारा उसके लिए, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस में भी आप देख सकते हो आपको यहाँ पे भी बेसिकली एक कैप्चा फिर से फिल करना होगा एंड ओके। सो इधर आपको यही करना है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं, तो यहाँ पे आप इजीली कर पाओगे। सो यहाँ पे बस एक और इसको कर देना है सॉल्व, ओके। उसके बाद बस आपको करना होगा वेरीफाई पे क्लिक एंड वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा का पूरा
हाउ टू मेक मनी बाय ब्लॉगिंग दिस, आपको क्वेश्चन मिल गया है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर यूट्यूब पे, तो आपको यूट्यूब से मतलब अगर नहीं है तो आप गूगल पे सिंपली कर सकते हो, एंड गूगल पे जाके आप लोग पूरा का पूरा जो कीवर्ड का आइडिया है यहाँ से फ्री में ले पाओगे। आप यहाँ पे देख सकते हो लाइक फ्रेज मैच एंड ऑल, तो इसमें भी आपको देखने को पूरा मिल जाएगा। और इसकी जो भी कमी रहेगी उसको पूरा करने के लिए एक और सॉफ्टवेयर है जिसको आपको, अगर आपके पास लैपी है तभी आप यूज कर पाओगे उसे, तो उस सॉफ्टवेयर को मैं चलो डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बताता हूँ। सो इसमें जो जो कमी रह गई थी उसको पूरा करने के लिए जो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है उसको हम यूज करेंगे, तो वहाँ से आप लोग हर एक चीज़ जितना भी कोई भी साइट का पूरा डाटा निकाल सकते हो, और हमें डाटा ही चाहिए होता है बेसिकली। सो उसके लिए सबसे पहले आपको जो एक लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आ जाना है। आप जैसे लिंक के थ्रू आओगे तो आप कुछ इस तरह के पेज पे आ जाओगे, और इधर आके आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पर डाउनलोड फ्री एडिशन पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम देना है। सो मैं अपना नाम दे देता हूँ, ओके। एंड उसके बाद में यहाँ पे नाम देने के बाद आपको एक ईमेल आईडी देना है, सो ईमेल आईडी मैं अपना दे देता हूँ एक, ओके। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे डाउनलोड SEO स्पाई क्लास क्लिक करता हूँ, और आप एक बार जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे थैंक यू फॉर ऐसा कुछ आएगा, पॉपअप इसे काट देना है ऊपर से। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। आप जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लगभग 300 MB की फाइल जो है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो 300 MB का यहाँ पे लगभग फाइल होगा, 307 MB का। तो तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ, उसके बाद में जैसे ही डाउनलोड होता है उसके बाद मैं इंस्टॉलेशन के प्रोसेस आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर है डाउनलोड हो चुका है, तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड जैसे ही मैं इंस्टॉल करूँगा इसे तो कुछ परमिशन देने होंगे, तो बेसिक के स्टेप्स हैं तो आप लोग खुद से कर लेना। सो इसको भी मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, एंड उसके बाद में देखते हैं कि इसमें आगे क्या करना है ताकि आप कीवर्ड रिसर्च से लेकर हर एक चीज़ यहाँ पर कर पाओगे। सो मैं फिर से पॉज करता हूँ वीडियो को, एंड इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बेसिकली क्या है मैं वो करके उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। सो जो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे ये जैसे ये पूरा का पूरा ये जो हो रहा है इंस्टॉल हो रहा है, तो यहाँ पे प्लीज वेट कुछ दिखा रहा है ऐसा, तो इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो आप इधर देख पाओगे कि यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस था वो पूरा हो गया है, तो मैं इसे फिनिश पे क्लिक करता हूँ। एंड आपको यहाँ पे कुछ नए ये जो दिख रहे होंगे कुछ यहाँ पे आइकन्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे SEO स्पाई क्लास, उसके बाद रैंक ट्रैकर, वेबसाइट ऑडिटर, एंड उसके बाद लिंक असिस्टेंट। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग चीज़ देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर, तो इसको खुलने देते हैं। एंड ये जैसे ही खुलेगा तो आपको बेसिकली करना कुछ नहीं होगा, इधर आप यहाँ पे जाके आपको अपना जो भी लिंक है वो सब देना होता है। तो अपन तब तक इसको वेट कर लेते हैं कि ये खुलता है तब तक। सो फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा चेकिंग में थोड़ा टाइम लगता है, एंड उसके बाद में यहाँ से आप लोग ये है इसमें कि आप लोग हर एक चीज़ इजीली ट्रैक कर पाओगे, एंड बार बार आपको किसी भी जगह पे जाके कोई भी चीज़ सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, हर एक चीज़ यहीं पर आप लोगों को मिल जाएगा देखने को। सो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो एंड सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ एंड सबसे एकदम टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल पाए। एंड इसको तब तक हम खुलने देते हैं, एंड जैसे ही खुलेगा तो फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ इसमें क्या करना होगा। सो बेसिकली जैसे ही खुलेगा तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपको आना है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है कि आप कोई भी एक डोमेन सब डोमेन यहाँ पे आप लोगों को दे देना है जिसको आपको सर्च करना है। मान लो मेरे को अभी, मैं अपनी साइट का ले लेता हूँ रेफरेंस, तो यहाँ पे आप लोगों को अपनी साइट की URL दे देनी है, या फिर जिस भी URL को आपको वहाँ पे इंस्पेक्ट करना है, एंड उसको आपको देखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या उस वाली साइट पे कौन कौन से बैकलिंक कहाँ कहाँ से बना है, एंड एंड जो भी बाकी रह जाएगा हर एक चीज़। तो बेसिकली यहाँ पे बात यह है कि आपको करना होगा यहाँ से एक कोई सा भी लिंक क्लिक, सॉरी मतलब कॉपी, एंड उसको आप जैसे ही कॉपी करोगे सो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को आना है, एंड जैसे ही मैंने वो कॉपी करा था उसको कंट्रोल वी से इधर पेस्ट कर देना है। एंड आप जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट करोगे तो उस साइट का पूरा यहाँ पे जो भी होगा डाटा है, उसके बाद फिनिश पे यहाँ पे क्लिक करना है। आप क्लिक करोगे फिनिश पे तो आप यहाँ से देख पाओगे उसे, उसका पूरा का पूरा डाटा दिख जाएगा आप लोगों को कि उस वाली साइट पे क्या क्या है, एंड कहाँ कहाँ से बैकलिंक ली है,
एंड क्या क्या उसमें क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो एंड आप कहाँ कहाँ से बैकलिंक बना सकते हो उसके लिए। उसके बाद उसकी कितनी कीवर्ड्स है जो रैंक कर रही है एंड सब चीज़ जो भी वहाँ पे बाकी रह जाए हर एक चीज़। तो मैं इधर फिनिश पे क्लिक करता हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ पे प्लीज वेट का आ गया, मतलब ये रनिंग हो रहा है इसका हर एक चीज़ की क्या क्या चीज़ है एंड सब चीज़ जो डाटा है वो फेच कर रहा है। तो डाटा फेच करके आपको दिखाने में थोड़ा टाइम लग सकता है इधर। सो आप इधर देख सकते हो जैसा कि यहाँ पे ये सब आ गया है एंड इनिशियलाइजिंग ये सब हो रहा है। तो ये वेब ब्राउज़र बेसिकली यहाँ से हर एक चीज़, एक सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर के अंदर ही ये ब्राउजर्स है। तो आप लोग के यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा जैसा कि बैकलिंक प्रोफाइल समरी बैकलिंक, उसके बाद लिंकिंग डोमेन, उसके बाद एंकर टेक्स्ट, उसके बाद रेफरल ट्रैफिक, उसके बाद ये, उसके बाद रेफरिंग आईपीज, उसके बाद हिस्टोरिकल डाटा, उसके बाद डोमेन कंपैरिजन, उसके बाद बल्क एनालिसिस, उसके बाद डोमेन स्ट्रेंथ एंड रिपोर्ट्स। तो आप यहाँ से अगर देखते हो तो इसमें हर एक चीज़ आपको मिल ही जाता है। तो आपको बेसिकली बहुत ही अच्छी जो एक हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें से एक है। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो ईजली, बहुत ही ईजली आप अपने उस पर कर सकते थे। यहाँ पर आप देख सकते हो रिबिल्डिंग बैकलिंक प्रोफाइल digitalhithvi.com, सो डन 12 बैकलिंक फॉन्च। तो आप यहाँ पे अगर मैं व्यू रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ या फिर यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट समरी में भी दिख जाएगा पूरा का पूरा। सो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है ज़रूर, लेकिन इट्स ओके, फ्री में जो करने को मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है इधर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो 48 बैकलिंक्स टोटल फॉन्ट यहाँ पे दिखा रहा है, उसके बाद 3 मंथ का ही दिखा रहा है टोटल, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे 3 ईयर्स का भी देख सकते हो, 3 ईयर्स तक का। तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने कहाँ कहाँ से बैकलिंक लिए है एंड कौन कौन सी साइट है, उसके बाद कितने डू फॉलो है, कितने नो फॉलो है। तो आपको इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप कहीं पर भी जाकर एचरेफ की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि एचरेफ का आपको वहाँ से कीवर्ड आपको फाइंड करने का वो पता चल ही गया कि आप लोग कैसे फ्री में कीवर्ड फाइंड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक पूरा मिल ही गया। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एंड यहाँ पे आप देख पाओगे कि कब बना था एंड लास्ट कब तक दिखा था, ऐसे टाइप का हर एक चीज़ यहाँ पे दिख जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ कहाँ से कौन कौन से पोस्ट हैं जहाँ पे डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक्स बने हैं एंड उसके बाद में लिंकिंग डोमेन्स वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो कौन कौन से डोमेन पे लिंक कर रहा है, तो ये 3 साइट पे ये मेरी जो साइट है वो लिंक कर रहा है क्योंकि मैंने अभी इस पे बैकलिंक बनाना स्टार्ट नहीं करा है। उसके बाद एंकर टेक्स्ट आप यहाँ पे देख पाओगे कि क्या क्या चीज़ पे है, तो हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग पे 5 एंकर टेक्स्ट है एंड 5ों का यहाँ पे पूरा का पूरा फुल डिटेल देख सकते हो कौन कौन से उस पे है डू फॉलो ये 5ों। तो ऐसे करके आप समझ सकते हो यहाँ से कितना ज़्यादा बेस्ट है कि आप इसको यूज कर पाओगे। उसके बाद लिंक्ड पेजेस, कौन कौन से पेज पे आपकी जो साइट है वो लिंक कर रही है, तो यहाँ से आप लोगों को पूरा का पूरा आप देख सकते हो कौन कौन सी लिंक कर रही है यहाँ पे। तो वर्डप्रेस गाइड है लिंक कर रही है, उसके बाद digitalhithvi.com लिंक कर रही है, उसके बाद हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग यहाँ पे लिंक कर रही है। तो ये सारी की सारी जो भी डिटेल्स है वो सब कुछ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी फ्री में। तो यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मान लो अगर समरी में आप जाते हो तो कलेक्टिंग डाटा यहाँ पे पूरा का पूरा इसका ये जो वेबसाइट है इसका पूरा का पूरा समरी दिख जाएगा। यहाँ से आप चाहो अगर तो जो आपके कंपटीटर हैं उसको भी आप यहाँ से एनालाइज कर पाओगे, उसी में जाके अपने वेबसाइट की URL की जगह उसकी वेबसाइट की URL डालो एंड जो कंपटीटर साइट एनालिसिस होता है उसको आप एनालाइज कर पाओगे। सो आप लोगों को पता चल गया बेसिकली कि इसमें क्या क्या है, आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा बैकलिंक आपको क्या क्या यहाँ से हर एक चीज़ आप सर्च कर पाओगे, आपको बेसिकली डोमेन के लिए करना है डोमेन के लिए करो, URL के लिए करना है URL के लिए करो, या फिर डोमेन सब डोमेन एंड होल में करना है तो होल के लिए कर लो। उसके बाद डोमेन कंपटीशन, तो यहाँ पे आप लोगों को डोमेन अगर इसको कम्पीट यहाँ पे चेक करना है किस किस से कम्पीट हो रहा है, तो सबका डोमेन नेम डालो एंड ओके पे यहाँ पे क्लिक कर दो। तो मैं कैंसिल पे करता हूँ। उसके बाद बल्क एनालिसिस में आप एक से ज़्यादा चीज़ यहाँ पे डाल के जो डोमेन्स है आप उसको कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद डोमेन स्ट्रेंथ यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ डोमेन स्ट्रेंथ DFA सब हर एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली DFA आपको पूरा का पूरा डिटेल में यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो DFA के लिए क्या है DFA, तो आप मौत से भी जाकर वहाँ से कर सकते हो। सो आप लोग को कैसी लगी ये वीडियो, अगर हेल्पफुल लगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर आप लोगों को अगर ऐसे टाइप का कोई भी वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके बाद अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब कर दो, लाल वाला बटन जो है उसको क्लिक करके आप उसे सब्सक्राइब कर लो। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हो डोमेन स्ट्रेंथ भी दिख रहा है 0.57, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा न्यू डोमेन है।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.